के शव को कंधा देकर दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर। पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बदगाम में श्रद्धांजलि दी। गुरुवार को अवंतीपुरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले 38 जवान शहीद हो गए थे। गृह मंत्री ने शहीद के शव को कंधा देकर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सभी शहीदों को शव को दिल्ली लाया जा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन शहीदों को श्रद्धांजलि देने बालम एयरपोर्ट जा सकते हैं। पुलवामा हमले के शहीदों को यहाँ दी श्रद्धांजलि। बता दें कि गृह मंत्री ने गुरुवार को हुए इस आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इसमें शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि शहीदों की शहादत का बदला लिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज सीसीएस की बैठक के बाद एक सभा में कहा कि सुरक्षा बलों को एक्शन लेने की पूरी छूट दे दी गई है। उन्होंने पड़ोसी पाकिस्तान की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा था, आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी है और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पढ़ें, पाक पर पहला एक्शन, एमएफएन का दर्जा वापस। प्रधानमंत्री ने झांसी में एक सभा में कहा, सुरक्षा बलों को आगे की कार्रवाई के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो और स्वरूप कैसा हो, यह तय करने के लिए पूरी इजाजत दे दी गई है। पीएम मोदी ने कहा, बदहाली के इस दौर में वह भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर हमें भी बदहाल करना चाहता है, लेकिन उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे।